तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन से जिला पंचायत का पोस्टर कैसे बना सकते हो, पोस्टर कैसा रहेगा, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए एक बार मैं आपको पहले पोस्टर दिखा दे रहा हूँ कैसा पोस्टर है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पोस्टर को बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको जो अपना फोटो लगा रहा, अपना नाम लिख कर सब कुछ यहाँ पर कैसे आपको एडिट करके अपना यानी कि अपना पोस्टर बनाना है जिला पंचायत का। तो यहाँ पर आप पोस्टर तो देख लिए, कुछ इस तरीके से पोस्टर मैंने बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो पोस्टर बैनर आप देख रहे हो, इसका पील फाइल डाउनलोडिंग आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है यानी कि आपको जो पील फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अपने इस बैनर के बारे में, कैसे आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आना है, यहाँ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाने के बजाय यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सअप में आ चुका हूँ। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको जो ऐसा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आपको जो उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो लिंक है आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लिंक ब्राउजर में ओपन होती है, आपको कुछ इस तरीके से लिंक दिखाएगा। यहाँ पे देखोगे जिला पंचायत के नाम से आपको जो है यहाँ पे फाइल दिखा देगा। साइड में आपको एक छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी फाइल दिया जाएगा वो फाइल यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो भी फाइल दिया गया लिंक पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अभी आपको अपनी इस फाइल को पासवर्ड डाल के स्टार्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ये रहा मेरा फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। यहाँ मैंने अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन स्टोरेज में आना है और यहाँ पर आप देखोगे जो भी आपके फ़ोन स्टोरेज में जितने भी सारे फोल्डर रहेंगे, सारे फोल्डर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो अभी दोस्तों आपने जो फाइल को लिंक से डाउनलोड किया रहेगा मेरे, वो जो फाइल आपका डाउनलोड किया जिस फोल्डर में यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है। तो अभी जो मैंने फाइल को डाउनलोड पे लगाया तो मेरा फाइल डाउनलोड के डाउनलोड के फोल्डर में ही ऐड हुआ है। तो ये रहा मेरा डाउनलोड का फोल्डर, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिला पंचायत के नाम से मेरा एक आपको जो यहाँ पे जेपी फाइल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लिंक पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फाइल अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी जो मेरा फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, जब मेरा फाइल डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आगे आपको करना क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मेरा जो फाइल डाउनलोड पे मैंने लगाया हुआ, तो मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी आपको कुछ इस तरह से फाइल को डाउनलोड कर लेना है लिंक पर क्लिक करके। उसके बाद आपको जो ये जेपी फाइल आपका है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो जिला पंचायत डॉट पी लिख करके मेरा फाइल का नाम है, नीचे आपको इंस्टॉल ओवर करके ऑप्शन पूछा जाएगा। तो आपको जो उस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन लिखा गया इंस्टॉल टू डाउनलोड करके, यानी कि दोस्तों आपका जो पीएलई फाइल है आप किस फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हो। इंस्टॉल टू डाउनलोड यानी कि आप जो इसी डाउनलोड के फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हो या आप इस फाइल को किसी और फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आप किसी और फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आप इसी फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हो उसके लिए आप जो पहले ऑप्शन को यानी कि इंस्टॉल टू डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि आपको जो वीडियो में तीन जगह और पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा, तो आपको तीनों पासवर्ड यहाँ पे टाइपिंग करके लिख लेना है। चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करना है मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लिया, लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट करके ऑप्शन पूछा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग सक्सेसफुली करके मुझे दिखा रहा है और यहाँ पे जो मेरा फाइल है स्टार्ट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरह अपने फाइल को जो है लिंक से डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डाल के फाइल को स्टार्ट कर लेना है। जब दोस्तों आप अपने फाइल को एक्सटेंड कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अभी आपको अपने जो पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करना है। तो यहाँ मैंने अपने पिक्सल एप्लीकेशन ओपन किया। ओपन करने के बाद जब अपने पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करोगे स्टार्टिंग में तो आपको होम पेज इसका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे एक माई प्रोजेक्ट करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लिक करते आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉट पीएलपी करके, तो आपको जो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई जो मेरे पिक्सल एप्लीकेशन में ये जो माय प्रोजेक्ट का ऑप्शन है आप में दिखाई दे रहा है, मेरे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर दोस्तों आपको जो यहाँ पे जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आना होगा, तो यहाँ पे आपको कैसे आओगे जब आपके फ़ोन में यानी कि आपके जो पिक्सल जब यही ऑप्शन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे अगर आपको आना हो तो कैसे आप आओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आने के लिए एक और तरीका आपको मिल जाता है यहाँ पे, तो आपको उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन पीएलई फाइल करके। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जैसे मैं उस माई प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आता था, वैसे मैं यहाँ पे जो थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डॉट पील करके ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे देखते हो मैं डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका हूँ, यहाँ मेरा जो डाउनलोड का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे आप देखोगे मेरा जो फोल्डर मैंने अभी डाउनलोड पे लगा तो मेरा जो फोल्डर डाउनलोड हुआ था और उसको मैंने जो एक्सटेंड किया हुआ था पासवर्ड डाल के, वो मेरा फोल्डर यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो जिला पंचायत के नाम से। तो आपको जो उस फोल्डर पर क्लिक करना है, जैसे आप उस फोल्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो पील फाइल आपको दिखाई देगा।
तो अभी आपको स्पेल फाइल पे क्लिक करना है। जैसा आप स्पेल फाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है ओपन ओनली करके। तो अगर आप अपने पेल फाइल को पिक्सल लोकेशन ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको ओपन एंड ऐड करके। तो अगर आप अपने पेल फाइल को पिक्सल लोकेशन में ओपन भी करना चाहते हो साथ में ऐड भी करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप बैक आओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो पेल फाइल आपके पिक्सल लोकेशन में ऐड भी हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो आपको जो पेल फाइल ऐड कहाँ पे हुआ है तो उसके लिए आप जो इस माय प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जो जिला पंचायत के नाम से आपको जो पेल फाइल भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जब चाहो दोस्तों तब आप इस पेल फाइल पर क्लिक करोगे जैसे आपका जो पेल फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे जो मेरा पेल फाइल है आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है जिला पंचायत एक करके, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे जो फाइल मेरा देख सकते हो ये भी वही फाइल है जिला पंचायत के ही नाम से और ये मेरा ऊपर भी वही फाइल है, यानी सेम टू सेम फाइल है और यहाँ पे दोनों नाम भी सेम है। तो इसलिए मेरा जो है फाइल एक एक्स्ट्रा हो चुका है, इसलिए मेरा एक नंबर दिखा रहा है यानी इसका डुप्लीकेट हो चुका है। तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो डिलीट यानी कि आपको जो ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया कैसे क्या करना है। तो अभी दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्या एडिट करना है, कैसे आपको यहाँ पे बनाना है अपना फोटो लगाकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फोटो के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने फोटो को आपको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन पे सॉरी दोस्तों एक बाजू वाली ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते यहाँ पे आपका जो भी फोटो रहेगा वो आपका फोटो डिलीट हो जाएगा। अभी आप अपने बैनर पोस्टर में जिसका भी फोटो लगाना चाहते हो उसके लिए प्लस के आइकन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन जाओगे और यहाँ पे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। अभी आपने जिस फोटो को अपने बैनर में इस पोस्टर में लगाने के लिए रखा हुआ है आप उस फोटो को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। तो एग्जाम्पल जैसे मैं मान लीजिए इस फोटो को यहाँ पे ओपन करके नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको कुछ इस तरह अपने फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा जो फोटो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है सब कुछ ढक जा रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे करना है अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, एक ही ऑप्शन पे आना और यहाँ पे आपको टू फ्रंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो टेक्स्ट आपका ऊपर साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे देखो मैंने एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो पहले तो अपने आप फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर करो और यहाँ पे जो अपने टेक्स्ट वाला है उसको सिलेक्ट करो टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो टू फ्रंट का ऑप्शन क्लिक कर दो, यहाँ पे अभी आपको जो टेक्स्ट है टू फ्रंट में आ जाएगा। अभी आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो इसको फोटो को सेट कर देना। अभी आप देखो मेरा जो टेक्स्ट है जो भी कुछ लिखा गया वो अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने जो यहाँ पे फोटो को सेट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों रही बात अपने फोटो को सेट करने वाले, यहाँ पे जो कुछ भी देख सकते हो लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरा जो टेक्स्ट साइड में अगर हो जाएगा तो आप इसको सेट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ मैंने जैसे कुछ एग्जाम्पल डाला हुआ है, बेहतर शिक्षा, साफ सुथरी सड़कें, हर घर शौचालय, ग्राम विकास, हमेशा सेवा में तत्पर, ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो जिला पंचायत बरदा से महाप्रधान पद के कर्मठ संघर्षशील युवा और यहाँ पे नाम लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी चलिए बात करते हैं जो सारा टेक्स्ट लिखा गया, जो भी सारा टेक्स्ट लिखा गया। और यहाँ पे आप देखो नीचे व्हाट्सअप नंबर भी है, तो यहाँ पे अपने जो व्हाट्सअप नंबर लिखा गया इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप एडिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पे अभी आपका जो भी नंबर डालना है आपको वो नंबर यहाँ पे टाइपिंग करके लिख लेना है। आप लोगों यहाँ मैंने कुछ नंबर टाइपिंग किया और यहाँ पे डन करके ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नंबर चेंज हो चुका है। तो आप इस तरीके अपने इस व्हाट्सअप नंबर को चेंज कर सकते हो। और अभी चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो भी हिंदी टेस्ट लिखा गया उसको कैसे चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख सकते हो, तो आपको इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अभी आपको स्क्रॉल करते हुए जो नीचे आना यहाँ पे देखोगे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है यूनिकोड टू क्रोधित करके, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते हुए आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे अभी देखोगे तो ये टाइप यूनिकोड टेक्सचर करके लिखा गया, तो आपको वहाँ पे टाइप करना। जैसे आप टाइप करोगे तो आपका जो कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको अपने कीबोर्ड को जो हिंदी में करना है कुछ इस तरीके से। और अभी मैं अगर आपको अपने बैनर में दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने बैनर जो कुछ भी हिंदी में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इस बैनर में जो कुछ भी हिंदी लिखा हुआ उसमें से कुछ भी आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पे आप वो चीज़ टाइपिंग करोगे। तो जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज करके दिखाऊंगा, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है रवि किशन शुक्ला करके। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ और नाम टाइपिंग कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सौरभ मैंने प्रजापति यानी कि अपना नाम डाल दिया। यहाँ पे बैक आता हूँ मैं, ऐसे आपको नाम लिख मत बैक आना और यहाँ पे आपको यूनिकोड कुर्ती का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते आपको नीचे वाले बॉक्स में कुछ यूनिकोड मिल जाएगा, साइड में आपको कॉपी का ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करके जो भी यूनिकोड उसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपको वापस जो अपने पिक्सल एप्लीकेशन में चले आना है कि हाँ मैं अपने पिक्सल एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। आने के बाद अपने जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके डबल टैप करोगे, यहाँ पे जो भी लिखा गया उसको आप कट करोगे और आपने उस एप्लीकेशन से जो भी कॉपी किया था टेक्स्ट उसको पेस्ट करके यहाँ पे आप डन करोगे, ओके करोगे। तो यहाँ पे आप देखो मेरा नाम चेंज हो चुका है। तो आप इस तरीके से इस नाम को चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो समस्त ग्रामवासियों को होली एवं रामनवमी जो कुछ भी लिखा गया दोस्तों वो सारे टेक्स्ट को आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। बस आपको जो वहाँ पे जो उस एप्लीकेशन में टाइपिंग करके लिखना होगा जो भी आपको चेंजेस करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो ग्राम राजेपुर पोस्ट भीरा ऐसा करके, तो वहाँ पे जो है ग्राम जो भी आपका नाम लिख सकते हो।
पोस्ट आपका जो भी वो लिख सकते हो, जो भी आपका जिला है वो लिख सकते हो। और यहाँ पे नीचे देखो मैंने निवेदक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है बस आपको इसी तरीके से चेंज करना है उस एप्लीकेशन के मदद से ही। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप अपने बैनर पोस्टर को बना लोगे तो इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं आप यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे जो साइड में छोटा सा एक डॉट देखने को मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेव टू गैलरी का ऊपर ऑप्शन वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो भी बैनर रहेगा बना रहेगा वो आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है जिला पंचायत का पोस्टर बनाने के लिए। तो जाइए दोस्तों, अभी बनाए कुछ इस तरह का पोस्टर, तो पील फाइल इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ पासवर्ड तो आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।